वेलकम बैक गाइस, स्वागत आप लोगों का एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस हमारी आज की वीडियो होने वाली है मेरे टॉप 10 फेवरेट पोकेमॉन्स के ऊपर। तो गाइस मैंने इस लिस्ट में लेजेंडरी पोकेमॉन्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उन्हें इन नॉर्मल पोकेमॉन्स से कंपेयर करना एक बेवकूफ़ी होगी। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये सारे पोकेमॉन्स मेरे को काफ़ी पसंद है, बस मैंने इन्हें नंबर दे दिया है वो अलग बात है। एंड हाँ गाइस, ये जो आप लोग नई एडिटिंग स्किल्स देख रहे हो मेरी, वो यानी सर्च करने में मुझे पूरा एक दिन लग गया कि भाई, एंड थंबनेल बनाने में तो मुझे काफ़ी टाइम लगे। तो मुझे बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये एडिटिंग कैसी लगी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नंबर 10 पे जो मेरा फेवरेट पोकेमॉन आता है वो है सीजर। गाइस सीजर मुझे काफ़ी पसंद है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माफ़ कर देना। सीजर का हमें अपीयरेंस काफ़ी बार एनीमे में देखने को मिला है, स्पेशली वो लाल बिजली वाले एपिसोड में इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मुझे काफ़ी पसंद आया। नंबर नाइन पे जो पोकेमॉन आता है मेरे इसके हिसाब से वो है स्टीलिक्स। गाइस स्टीलिक्स मुझे ब्रॉक के कारण पसंद है क्योंकि ये ब्रॉक का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, प्लस इसका मेगा एवोल्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ऑसम इसका दिखता है मेगा एवोल्यूशन, एंड इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। नंबर एट पे जो पोकेमॉन आता है वो है चायजार्ड। हाँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि चायजार्ड इतना नीचे क्यों है भाई, चायजार्ड को तो टॉप पर होना चाहिए था, बट मेरी सोच है भाई, मुझे चायजार्ड के तीनों फॉर्म्स काफ़ी पसंद है। नहीं तो चायजार्ड वैसे तो काफ़ी ओवरऑल अच्छा पोकेमॉन है। नंबर सेवन पे जो पोकेमॉन आता है वो है ब्लास्टोइज। गाइस ब्लास्टोइज हमें गैरी के पास देखने को मिला है जो कि एक ओपोनेंट रह चुका है काफ़ी सारे रीजन्स में, एंड ब्लास्टोइज का जो ये कैनन वाला डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी पसंद है, और मेगा ब्लास्टोइज तो खतरनाक है। नंबर 6 पे जो पोकेमॉन आता है वो है इलेक्ट्रोवायर इवॉल्व होते इलेक्टाबस से, जो कि काफ़ी अच्छा पोकेमॉन था पहले भी, बट इवॉल्व होने के बाद इसका पूरा यानी लुक ही चेंज हो जाता है। पहले क्या था अब क्या है आप लोग को अंतर पता ही होगा। एंड पॉल इलेक्ट्रोवायर भी मुझे काफ़ी पसंद है। नंबर 5 पे जो पोकेमॉन आता है वो है म्यूटू। गाइस म्यूटू हमें काफ़ी पसंद है, इसका ये जो पोकेमॉन म्यूटू स्ट्राइक्स बैक वाली जो मूवी थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, एंड म्यूटू का जो मूव्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। म्यूटू काफ़ी ख़तरनाक पोकेमॉन है, वो किसी भी पोकेमॉन को आराम से हरा सकता है। नंबर फोर पे जो पोकेमॉन आता है वो है टायरेंटर। गाइस टायरेंटर तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बार देखने को मिला है एनिमे में, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ईविल टीम्स के पास ही रहता है। टायरेंटर का मेगा एवोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, प्लस इसके जो मूव सेट है वो भी काफ़ी गजब है, इसका हाइपर भी मेरा फेवरेट मूव है। नंबर 3 पे जो पोकेमॉन आता है वो है बिशॉप। गाइस बिशॉप मुझे काफ़ी पसंद है, स्पेशली ये अलान के पास है मुझे इसलिए भी ये काफ़ी पसंद है। इसका आर्मर और इसके जो ब्लेड्स निकले ना शेर हाथों से, जो भी जहाँ जहाँ से भी निकले वो मुझे काफ़ी पसंद है, और इसकी बैटल स्टाइल भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। नंबर 2 पे जो पोकेमॉन आता है वो है पिकाचू। हाँ गाइस पिकाचू मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन में से एक है, क्योंकि ये हमें ऐश के साथ काफ़ी स्टार्टिंग से देखने को मिल रहा है, एंड ये स्टार्टिंग से देखते रहोगे तो भाई ऑफकोर्स तुम्हें कोई ना कोई चीज़ पसंद ही आ जाएगी, बस उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1 पे जो मेरा फेवरेट पोकेमॉन आता है वो है सेलामेंस। गाइस सेलामेंस का ये जो स्पाइकी लुक है ना थोड़ा, ये काफ़ी ऑसम लगता है, प्लस इसके जो विंग का स्टाइल है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, एंड इसके अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमें दिखाई गई थी एनिमे में। तो गाइस इस वीडियो को आप लोग लाइक किए बिना मत जाना, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। मुझे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पे भी अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी वीडियोस के। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ गाइस आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स भी चेकआउट कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।